हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पटना यूनिवर्सिटी ने फिर से एक नया डेट जारी किया है एंट्रेंस को लेकर, और सारी चीजें जो है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बातें करूंगा। और पटना लॉ कॉलेज का भी डेट, एंट्रेंस डेट अभी नहीं आया है, उसके बारे में बात करूंगा, वो पेंडिंग में है। और या गाइज, और इस वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं बात करना चाहूंगा अपने चैनल के बारे में। सो गाइज, कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देख रहा था, तो उसमें पता चला कि 89% लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइज, अगर दरख्वास्त है कि अगर आप उन 89% लोगों में से हैं जो मेरा वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शायद आपको नहीं पता चला हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहता हूँ। और एक और बात करना था कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और नोटिफिकेशन की जो बेल होती है गाइज, उसको ऑल पे रख लेना, क्योंकि मैं देखा हूँ कि 100 से 200 लोग के ही पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है। जब मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ, मैंने वीडियो अपलोड करा है। तो वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोगों के पास जा रहा है, जितना मेरे सब्सक्राइबर है सारे लोगों के पास नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चेक कर लेना। एंड या, लेट्स बिगिन दिस वीडियो गाइज। ऑलराइट, तो जैसा कि आपको मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म 3 अप्रैल से आने वाला था, लेकिन उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों, सबको आपको मालूम है क्या वजह है। फिर से एक नया डेट आया है, फिर से एंट्रेंस की नई डेटें आई हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो यह गाइस, तो सबसे पहले ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो आपको खुलेगा 30 अप्रैल को, मतलब 30 अप्रैल से आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। और उसकी अंतिम तारीख बताई गई है 20 जून को, 20 जून 2020। और फिर गाइज, बताया गया है, कुछ डेट्स बताए गए हैं एग्जाम्स के, कि जैसे मान लीजिए बीए का एग्जाम्स जो होगा वो होगा आपको 29 जून 2020 को। अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना डेट लिख लीजिए डायरी में, आपको इस दिन एग्जाम होगा एज पर जो भी अनाउंसमेंट हुई है। देखिए आगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। फिर बीएससी का एग्जाम होगा आपको 2 जुलाई को, बीकॉम का 28 जून को, और एलएलबी का अभी पेंडिंग है गाइज, अप्रूवल ऑफ द बीसीआई, अप्रूवल लेना पड़ता है। हालांकि मुझे इसके बारे में अभी थोड़ा जानकारी नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले साल भी हुई थी इसलिए एंट्रेंस लेट से हुआ था। लेकिन आप, मैं बता दूं कि आप फॉर्म भर के रखें, आपका एंट्रेंस जरूर होगा। इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म जरूर भर के रखना। और भी जो डेटें हैं आई हैं, एमएमए हो गया, मतलब पीजी के जितने भी एडमिशन हो गए वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड ये सब जो चीज़ें होंगी गाइस, कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, अब आ जाते हैं आपको एडमिशन का प्रोसेस कब शुरू होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम देने के बाद आपको एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, एक मेरिट लिस्ट, दो, तीन, उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम है तो जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका जो अंतिम डेट बताया गया है कि आपको एडमिशन लेने का है, वो है 14 अगस्त 2020। एंड गाइस, एडमिशन लेने के बाद आपको पता है कि इंडक्शन मीट कराया जाता है सभी कॉलेज में, उसका जो डेट है 17 से 22 है। ये मतलब अगर आप अलग अलग डेट्स में होंगी, मान लीजिए कि कोई पटना कॉलेज में किसी दिन करा दिया गया, किसी दिन करा दिया, वो आपको पता चल जाएगा जब आप एडमिशन लेंगे। और क्लासेस जो शुरू होंगी वो आपको होंगी 24 अगस्त 2020 से। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कैसे हालात हैं अभी बाहर, और ये जो डेट आए हैं, अब मैं यही आशा करता हूँ कि ये फाइनल डेट हो। और जो कुछ भी अपडेट आता है गाइज, मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, यूज़र आईडी है AKRBlogger, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या होता है गाइज कि देखो, कुछ भी अपडेट आता है, जैसे ये अपडेट मुझे रात में ही आ गया था, तो अब क्या है, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी मतलब फोटोज़ वगैरह को डाल दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने देखे और कुछ सवाल भी पूछे, तो मैंने उनके जवाब दिए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी अपडेट आता है तो मैं सडनली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लेट आ जाता है, बनाने में भी वक्त लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या है कि झट से अपडेट मैं दे देता हूँ, इसलिए आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो गाइस, ये हुई बातें, और यह ज़्यादा कुछ है नहीं। एलएलबी वालों के लिए बता देता हूँ कि अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, कि कैसे क्या चीज़ें हैं। और बस गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा लोगों को मालूम चले, दोस्तों को मालूम चले, अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो। सो या गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, और बाय बाय।